Hello, myself Pravana Jha. I am a teacher for IIT G Main and Advanced. Also, I teach mathematics for class 11th and 12th. आज जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वह है जी मेंस के लिए डिफिनिट इंटीग्रल। इसमें पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन है आपका 0 to 1 और किसी भी डिफिनिट इंटीग्रल को आई इजिकल टू सपोज कर लेना चाहिए। यह है आपका साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x अपॉन 1 - x dx। अब इस पार्ट को हम अलग करके हम सॉल्व कर लेते हैं सो दैट हमें इंटीग्रल फॉर्मेट हो जाए। तो हमारे पास जो हम जिसको नाउ 2 tan इनवर्स ये 1 + x / 1 - x में x को जो है ये cos 2 थीटा मानना है और यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अलग से इसको सपोज कर रहे हैं। ये हो गया 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 + cos 2 थीटा अपॉन 1 - cos 2 थीटा। ये होगा 2 tan इनवर्स, ये हो गया 2 cos² थीटा अपॉन 2 sin² थीटा। ये कट जाएगी तो ये होगा हमारा 2 tan इनवर्स cot थीटा और cot थीटा को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 2 tan इनवर्स 10π/2 - थीटा लिख सकते हैं और ये हो गया हमारा 2π/2 - थीटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग π - 2 थीटा। ओके, एनी प्रॉब्लम? इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या π - 2 थीटा और ये हो गया हमारा, जब यहाँ पर इसको डालेंगे π - 2 थीटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, इस जगह पूरे होल को लेते हैं तो ये हो गया साइन π - 2 थीटा। आप जानते हैं क्या होता है ये साइन π - 2 थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। ओके, और साइन 2 थीटा क्योंकि एक्स को हमने क्या लिया cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं। थोड़ा फर्दर स्टेप लेते हैं तो यहाँ पर साइन 2 थीटा जो होगा हमारा वो होगा रूट अंडर 1 - cos² 2 थीटा और पिछले में हमने सपोज जो किया था एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा इसलिए यहाँ डाल दें, ये हो गया 1 - x². अब जो इंटीग्रल हमारे पास आई है वो आई इक्वल टू 1 0 रूट अंडर 1 - x² और फार्मूला आप जानते हैं a² - x² का रूट अंडर क्या होता होगा, आई होप आप जानते होंगे। ये है x/2 a² - x² + a² / 2 साइन इनवर्स x/+। इस फॉर्मूले को यहाँ जब यूज करेंगे आप ये हो जाएगा हमारा x/2 रूट अंडर 1 - x² + a² दैट इज 1/2 साइन इनवर्स x/1 और ये हो गया हमारा 1। जब हम 1 लिमिट लेंगे ये हो गया 1/2 रूट अंडर 1 - 1 + 1/2 साइन इनवर्स 1/1 दैट इज 1। ये हो गया हमारा जब हमने 1 डाला, फिर माइनस 0 डालेंगे तो ये पार्ट टू 0 और ये पार्ट टू 0 दैट इज 0। यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये 0 और यहाँ हो गया 1/2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा π/2। ओके, दिस इज कॉल्ड द π/4, दिस इज योर रिजल्ट ऑप्शन। ये आपके चाहे ए में दिखे या बी में दिखे या सी में दिखे या डी में इसको आप ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस पर जो पीस वाइज फंक्शन पर डिपेंड है वो है आपका 0 to π आई इक्वल टू सपोज करना है रूट अंडर 1 + 4 sin² x/2 माइनस 4 sin x/2 और इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ये हो गया a² + b² - 2ab दैट इज 1 - 2 sin x/2 का होल स्क्वायर। और जब भी किसी स्क्वायर का जो रूट होता है आप जानते हैं x² को मतलब मोड x। ओके, ये हो गया पाई 0 1 - 2 sin x/2 का मोड। अब ये
जो इंटर मोड है, मोड के जीरो से पाई में किस इंटरवल तक पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, इसको चेक करने के लिए आप इनको जीरो करते हैं, दैट इज वन माइनस टू साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो, और टू साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन, साइन एक्स बाई टू क्या होगा, ये वन बाई टू, दैट इज आपको पता है कि कहाँ पर ये होता है, साइन ये पाई बाई सिक्स पर होता है, साइन पाई बाई टू, ओके। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास साइन एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री इज द क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर ये ब्रेक होगा, ओके। अब इनको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जीरो से लेके फाइव बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री से लेकर के फाइव बाई फाइव, ये हो गया रूट टू, वन माइनस टू साइन एक्स बाई टू डी एक्स, और ये होगा हमारा वन माइनस टू साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके जीरो से पाई बाई थ्री के बीच में हमारा पाई बाई फोर होता है, पाई बाई सिक्स होता है, कई वैल्यूज होते हैं, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको हम ओपन जो करेंगे पाई बाई थ्री जीरो वन माइनस टू साइन एक्स बाई टू विदाउट एनी चेंज इन साइन, यहाँ पर माइनस लेंगे क्योंकि ये माइनस लेगा, क्योंकि पाई बाई थ्री से पाई बीच में ये वैल्यू नेगेटिव लेगा, ओके। और वन से लेके जीरो से पाई बाई थ्री में ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए एज ए पॉजिटिव खोलते हैं, इसको नेगेटिव खोलना पड़ता है, वन माइनस टू साइन एक्स बाई टू ये हो गया पाई बाई थ्री, ये हो गया पाई, आई होप आप समझ गए होंगे। और इसमें जो होता है इंटीग्रल एक्स माइनस टू ये कॉस एक्स बाई टू विथ नेगेटिव साइन दैट इज पॉजिटिव अपॉन हाफ, ये हमारा हो गया जीरो टू पाई बाई थ्री माइनस ये होगा हमारा एक्स प्लस फोर कॉस एक्स बाई टू और ये हो गया पाई बाई थ्री से पाई, ये हाफ को हम इधर फोर लिख सकते हैं, दैट इज करूंगा। अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखिएगा ये पाई बाई थ्री प्लस फोर इसका वैल्यू क्या होगा, जब एक्स की वैल्यू पाई बाई थ्री डालेंगे दैट इज पाई बाई सिक्स, फोर इंटू कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई क्या होता है रूट थ्री बाई टू होती है, ये हो गया जब हमने पाई बाई थ्री डाला, जब जीरो डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है, जीरो प्लस फोर इंटू जीरो दैट इज कॉस जीरो वन होता है वन, इसके बाद माइनस ये जो वैल्यू हमारे पास है जब पाई लिया तो पाई और यहाँ क्या होगा प्लस फोर कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू यू नो जीरो एक पार्ट, फिर माइनस फिर दूसरा पार्ट पाई बाई थ्री लेंगे ये होगा पाई बाई थ्री प्लस फोर कॉस पाई बाई सिक्स यू नो द वैल्यू ऑफ दैट, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा टू पाई बाई थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर माइनस अब क्या होगा यहाँ पर पाई प्लस जीरो ओके माइनस ये हो गया पाई बाई थ्री ये वैल्यू प्लस फोर रूट थ्री बाई टू ये कट कर सकते हैं। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्टेप खाली करते हैं, अब यहाँ ये हो रहा है हमारा पाई बाई थ्री प्लस टू रूट थ्री आई का वैल्यू, अब इसके बाद आती है माइनस फोर ये होगा माइनस पाई माइनस वन प्लस पाई बाई थ्री प्लस टू रूट थ्री, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये हो गया पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री दैट इज टू पाई बाई थ्री, ये हो गया हमारा टू रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री फोर रूट थ्री, ओके। इसके बाद हो रही है ये माइनस फोर ये माइनस पाई, इसमें अगर माइनस पाई करते हैं टू पाई बाई थ्री माइनस पाई करते हैं दैट इज माइनस पाई बाई थ्री, जो रिजल्ट आ गए हमारे पास फोर रूट थ्री माइनस फोर माइनस पाई बाई थ्री, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द वैल्यू, यानी रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है। इसको अब दूसरे कलर में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, फोर रूट थ्री माइनस फोर रिजल्ट जो होगा हमारा ये होगा फोर रूट थ्री
माइनस फोर और माइनस फाइव, ये आंसर जहाँ भी हो उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को समझना और उसको तीव्र गति से अच्छे से फॉर्मेट करके बनाना, इसी द आर्ट, उस आर्ट को आपको सीखना। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ भी है। आई इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टू पावर एक्स, ये है पाई बाई टू, ये है माइनस पाई बाई टू। अब इस क्वेश्चन में हमने लिख दिया, अब इनको सॉल्व करने का जो तरीका है उस पर बात करते हैं। इसको वन नंबर मानेंगे, और जब इसको हमने वन नंबर मान लिया तो इसमें एक रूल होता है, ये होता है आपका ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, आपने ट्वेल्थ क्लास में जरूर पढ़ा होगा। अब आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये वन प्लस क्या होगा टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस एक्स होता है क्योंकि इन दोनों को सम माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स। अब ये जो हो रहा है हमारा, आप जानते हैं एक बार कि साइन फंक्शन क्या होती है, साइन के साथ अगर निगेटिव एंगल हो तो बाहर माइनस आती है, बट ये स्क्वायर में है, स्क्वायर फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस वन बाय टू पावर एक्स, इनको फर्दर आपको सॉल्व करनी है। जब इनको आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन वन है, तो क्या मिलेगा आपको, आई इज इक्वल टू मिलेगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये टू पावर एक्स प्लस वन, यहाँ पर टू पावर एक्स आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन टू मानिए। अब आपको क्या करना है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, जब ऐड करेंगे ये टू आई हो जाएगा और ये फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू, और यहाँ पर टू पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस वन हो जाएगा। नीचे भी हमारा क्या है टू पावर एक्स प्लस वन है, ये हमारा कट गया। अब इसके बाद इनको फर्दर सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यू पता है क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कंसेशन सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसके बाद अब इसको जब ये वन बाई टू हो गई, ये एक्स ये हो गया साइन टू एक्स अपॉन टू, और ये हो गया फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू। अब कुछ नहीं करना है, अब जस्ट लिमिट बिठानी है, आंसर आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये टू आई इक्वल टू हाफ, ये हमारा x माइनस साइन टू एक्स बाई टू, ये हो रहा है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। अगर हम पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या होगा, ये पाई बाई टू माइनस ये क्या हो जाएगा साइन पाई हो जाएगा, दैट इज जीरो, ये हो गया एक पार्ट माइनस। दूसरा पार्ट करते हैं, ये हो गया माइनस पाई बाई टू माइनस, ये हो गया ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ टू पाए टू था, तो पाए हो जाएगा साइन इन पाए के मल्टीपल में जीरो हो जाएगा, ये हो गया हमारा हाफ, इसको लिख सकते हैं पाए बाई टू माइनस प्लस प्लस पाए बाई टू, दैट इज पाए हाफ इंटू पाए बाई पाए, और क्योंकि ये टू आई के बराबर है इससे आई वैल्यू हो जाएगा पाए बाई फोर। अब ये आपका आंसर आंसर है, अब आंसर को आप ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू पाए बाई फोर। अब इसमें एक सिमिलर क्वेश्चन होता है जो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन होता है वो माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू आई इक्वल टू, ये है कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई पावर एक्स, ओके। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट आप खुद निकाल सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, बेस्ट आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन जो है नॉर्मल डिफरेंशिएशन पर है, नॉर्मल इंटीग्रेशन पर है आपका क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस टू टू टी का मोड डी टी इक्वल टू एफ एक्स है, और कह रहा है हमें वैल्यू निकालना है
एफ एक्स का 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए क्या करते हैं कि x पॉजिटिव है हमारा, नहीं 0 से बड़ा है, यहाँ एक मॉडुलस फंक्शन है, इसको पहले i इक्वल टू मान लीजिए। तो i इक्वल टू जो होगा हमारा, ये i जो हमारा है, अच्छे i की मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। आपके पास इस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस टू से जीरो टू टी डी टी प्लस जीरो टू एक्स टू टी डी टी। अब ये जो है जीरो से माइनस टू से जीरो की कोई भी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देता है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और जीरो से ये पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब इसकी मॉडुलस ओपन होगी ये होगा माइनस टू टी, माइनस टू से जीरो डी टी, और यहाँ होगा पॉजिटिव, दैट इज जीरो टू एक्स टू टी डी टी। ओके, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो गया टू ई स्क्वायर बाई टू, ये हो गया हमारा जीरो माइनस टू विथ नेगेटिव है, प्लस ये होगा टू टी स्क्वायर बाई टू, ये होगा एक्स जीरो। अब आप देख रहे हैं कि टू और टू कट सकता है। उसके बाद जब इसमें लिमिट लगाएंगे ये हो गया जीरो स्क्वायर माइनस माइनस टू के स्क्वायर, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू हमारे पास ये हो रहा है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो हमारा एफ एक्स का क्या वैल्यू हो रहा है, एफ एक्स का वैल्यू हो गया हमारे पास, इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर। और भी क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं अगली वीडियो में आपको करवा देंगे। क्वेश्चन है आपका, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर, ओके, और जीरो से टू, इनको आपको करना है, ओके, और भी क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, उसको करने की कोशिश कीजिएगा।